हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। खुदावन, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, हम तेरी तारीफ करते हैं। तूने आज तक हमें संभाल कर रखा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर चलाया है पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथ उठाकर खुदावंत की तारीफ करो, धन्यवाद करो सभी जन परमेश्वर के नाम का। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन में बोलता हूँ, मैं अपने जीवन में तेरे बड़े छुटकारे को देखूंगा पिता परमेश्वर, बड़ी आशीषों को देखूंगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो, आज मेरी निराशाओं का आज आखिरी दिन है, मैं अपने जीवन में आशीष को देखूंगा, मैं तेरे बड़े हाथ को अपने जीवन में आता हुआ देखूंगा। अपने हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करो सब जन, जैसे उस रात परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाया, वैसे आज रात मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपकी बीमारियों से, आपकी निराशाओं से। आज आप खुदाबंद के बड़े हाथ को देखने वाले हो अपने जीवन में, अपने परिवार में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये आशीष आपकी है। तारीफ करो सब जन, अपने हाथों को उठा के उसके नाम को धन्य कहो। कहो पिता परमेश्वर, तू धन्य है, तेरे जैसा और कोई नहीं पिता परमेश्वर। अपने हाथों को सभी जन उठाओ, अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने पापों की माफी मांगो कि परमेश्वर मुझे माफ कर। तेरे वचन में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। तेरा लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। खुदावंद, अपने लहू से धो और मुझे उठा के खड़ा कर। मांगो माफी सभी जन परमेश्वर से, अपने पापों को मानो और क्षमा मांगो परमेश्वर से। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ और मेरी शांति सदा की है। जो आपको संसार शांति देता है वो सिर्फ पल भर की होती है, लेकिन जो यीशु शांति देता है वो सदा के लिए होती है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु की शांति आपके जीवन में आए, निराशा का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए, निराशा का आत्मा, सुसाइड का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के आपकी जिंदगी से चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। कम आउट इन जीजस नेम। डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है, कमजोरी आपका हिस्सा नहीं है, निराशा आपका हिस्सा नहीं है, शांति आपका हिस्सा है। आज यीशु की शांति आपके जीवन में आ रही है, तो भी आज उसका सामर्थी हाथ आपके जीवन में आ रहा है। ग्रहण करो सब जन, वो शांति का राजकुमार है, वो अपनी शांति आपको दे रहा है। ग्रहण करो सभी जन अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो सभी जन परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से आप शांति को महसूस करोगे। आपके आसपास कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप शांति में होगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपके दिल में शांति होगी। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की तालियों के साथ, उसके नाम की महिमा करो। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दूं, अपना घराना, अपने बच्चे, सभी कुछ परमेश्वर के हाथ में दे दो, सभी कुछ परमेश्वर के हाथ में दो, उसके लहू में छुपाओ। क्योंकि जो कुछ आपके साथ जुड़ा है, शैतान उस पर अटैक करता है। शैतान आप पर तो अटैक कर नहीं सकता, लेकिन आपके साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है वो उस पर अटैक करता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका घर हो सकता है, वो आपकी जॉब हो सकती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते उन चीजों के लिए, वो जरूर उन चीजों पर अटैक करता है। तो प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए,
अपनी चीजों के लिए, अपनी जॉब के लिए, और छुपाओ उन्हें यीशु के ब्लड में, और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपना बिजनेस, अपना घराना, अपने बच्चे, अपने दोस्त तेरे लहू में छुपाता हूँ। करो प्रार्थना सभी जन एक मन होकर। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आसमान खुलता है और परमेश्वर की आशीष नीचे आती है। बोलो परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने घराने को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाता हूँ, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को तेरे लहू में छुपाता हूँ, और जो कुछ मेरे साथ जुड़ा है मैं उसे तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरे हाथों में देता हूँ। आपका सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित है, वो सेफ है यीशु के हाथों में। तारीफ करो उसके नाम को, धन्य कहो सभी जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करो करो तारीफ सभी जन, आज खुदावंद आपको चंगा करेगा। जब आप चंगाई की प्रार्थना करेंगे खुदावंद आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। तारीफ करते जाओ उसके नाम की, धन्य कहो उसे, कहो परमेश्वर तू धन्य है, तू सभी कुछ कर सकता है पिता परमेश्वर। आज जो भी खुदावंद से आप प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगोगे वो आपको मिलेगा। इस प्रार्थना में मांगो परमेश्वर से, उसकी महिमा के लिए मांगो, उसके अभिषेक को मांगो, प्रार्थना करने वाला जीवन मांगो, वचन को पढ़ने वाला जीवन मांगो। सभी जन अपने हाथों को उठाते हुए बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, तेरी महिमा करने वाला जीवन दे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता तू महान परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता परमेश्वर। सभी जन अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो, अपनी बीमारी को डांटो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को छोड़कर चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो चली जा, चली जा, चली जा, इन द नेम ऑफ जीजस, यीशु के सामर्थी नाम में चली जा। डांटो अपनी बीमारी को, जब तक आप अपनी बीमारी को डांटोगे नहीं वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। बीमारी आपका दुश्मन है, दुश्मन को कैसे निकालते हैं आपको पता है, वैसे ही आप अपने शरीर से बीमारी को निकालो। बोलो ए बीमारी मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे कमांड करता हूँ, मेरे शरीर को छोड़कर चली जा, चली जा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, चली जा। रिलीज करो फायर को, पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करो, रिलीज करो आग को, पवित्र आत्मा की आग फेंको बीमारी के ऊपर। बीमारी बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे बीमारियों पे, दुष्ट आत्माओं पे, डिप्रेशन पे, सुसाइड की आत्मा पे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। जो भी आपके घर में बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, उस पर अपना हाथ रखो, बीमारी को डांटो, आज खुदावंद की आग से बीमारियां जल जाएं, बीमारियां जल के भस्म हो प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आपने जिनके ऊपर हाथ रखा है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हर बीमारी उनको छोड़कर चली जाए, चंगियाई आए, चंगियाई आए उनके शरीर में, उनके जीवन में, चंगियाई आए उनके शरीर में, उनके जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु के जिंदा जलाली नाम में। करो करो सभी जन प्रार्थना, आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपकी प्रार्थना में असर है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे होते हैं। और प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर तूने हमें दिन भर संभाल कर रखा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में रात को भी देता हूँ पिता परमेश्वर,
अच्छी नींद देना मुझे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी हर प्रार्थना को सुन लिया है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है पिता परमेश्वर, और जल्दी उसका उत्तर भी देता है पिता परमेश्वर। आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के साथ